वर्ष का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे नो बैग डे बस्ता मुक्त शनिवार के अंतर्गत 15 अक्टूबर के शिक्षा शनिवार नो बैग डे की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स आप हो पाएं अपडेटेड। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बस्ता मुक्त दिवस तृतीय शनिवार 15 अक्टूबर 2022 माह अक्टूबर में जो हमारी थीम रहेगी वो रहेगी खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसके अंतर्गत हमें स्काउट की गतिविधियां भी आयोजित करवानी है, उसी के साथ साथ जो ये सामूहिक जो हम हर सप्ताह करते आ रहे हैं उसके अंतर्गत अंकुर समूह के लिए हमने टॉपिक रखा है लंगड़ी टांग। इसमें बच्चे के शारीरिक क्षमता का विकास होगा, सतर्कता एकाग्रता और स्फूर्ति का संचार होगा। इसमें एक गोल घेरा बना देना है और इसमें आप एक बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे, वो लंगड़ी टांग करके आएगा और बच्चों को पकड़ेगा एक टांग से। उस निर्धारित घेरे में अगर वो किसी बच्चे को पकड़ लेता है तो उस बच्चे की, या फिर कोई बच्चा उस घेरे से बाहर चला जाता है तो बच्चा फिर लंगड़ी करके दूसरे को छूने के प्रयास करेगा। अगला रहेगा हमारा प्रवेश समूह 3 से 5 का, इसमें है कुर्सी दौड़। कुर्सी दौड़ के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु सतर्क बनाना और एकाग्रता और स्फूर्ति का संचार। इसमें कुर्सी दौड़ में जितने बच्चे भाग लेंगे उतनी कुर्सी स्टूल हमारे पास होगा, उसके बाद उन्हें 3-3 फीट की दूरी पर रख देंगे और फिर उनके बीच में बच्चों को म्यूजिक के साथ या गाना बजाने के साथ ताली के साथ जो भी आपके पास संसाधन है उसके माध्यम से आप गतिविधि करवाएंगे। और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा या ताली बंद होगी या गाना बंद होगा जो भी आप, उसके बाद सभी बच्चों को कुर्सी पर बैठना है। जो बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाया उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा और एक कुर्सी कम कर दी जाएगी। इस प्रकार से अंत में एक बच्चा ही बचेगा जो विजेता होगा। इसी तरह से दिशा कक्षा 6 से 8 का, इसमें चेन या सांकर डंडा है। इसमें बच्चों को समूह भावना का विकास होगा, शारीरिक विकास और प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा। इसमें सर्वप्रथम एक मैदान निश्चित कर दिया जाएगा जिसकी सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, उसके उपरांत किसी एक बच्चे को शिक्षक द्वारा चयनित कर लिया जाएगा जो सबसे पहले बच्चों को छूने का प्रयास करेगा। वो जैसे जैसे बच्चों को छूता जाएगा वो बच्चे चेन में जुड़ते जाएंगे और चेन बड़ी होती जाएगी। इस तरह से आप बालक और बालिकाओं का अलग अलग इसे खिला सकते हैं समूह बनाकर। अगला जो क्षैतिज समूह है कक्षा 9 से 10 का, उनके लिए लंबी कूद और ऊंची कूद 100 मीटर या 200 मीटर रखी जा सकती है। इसमें छिपी प्रतिभाओं को जानना और विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही अगला जो समूह उन्नति कक्षा 11 और 12 के लिए, इसमें वॉलीबॉल खो खो कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता रखी जा सकती है। समूह भावना, सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना इसमें विकास होगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण गतिविधियां 15 अक्टूबर के शनिवार की रहने वाली है। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।